Okay, so I'm Sonali Sundaram again, and we are going to talk about antihypertensive drugs. In our previous lecture, we have discussed about hypertension and the classification for the antihypertensive drug. Now, in this lecture, we are going to continue that topic for the classification of antihypertensive drug. Okay. In the classification for the antihypertensive drug, in our previous lecture, we have discussed in diuretics about and the drugs acting on the renin-angiotensin system. Moving forward, the third category for the antihypertensive drug is sympathetic inhibitor. What do you understand by sympathetic inhibitors? The drugs acting on the sympathetic nervous system, that is the adrenergic drugs. वैसे ड्रग्स जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं एंड द न्यूरोट्रांसमीटर द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज दैट एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन दिस थ्री न्यूरोट्रांसमीटर आर द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बट हियर द ड्रग इज सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स तो ऐसे ड्रग्स आपकी इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में एक्ट करेंगे या आपकी हाइपरटेंसिव को ट्रीट करेंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन को इनहिबिट करते हैं स्टॉप करते हैं राइट उसके एक्शन को अपोज करते हैं दैट ड्रग इज ऑल्सो नोन एज सिंपैथोलाइटिक ड्रग राइट जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लाइटिक करता है उसको ब्रेक डाउन करता है एंड ऑल्सो एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स तो आपने फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ा होगा अबाउट एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स और सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स ओके सो हियर द क्लासिफिकेशन फॉर द सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स व्हिच इज यूज्ड एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स द फर्स्ट वन इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ठीक है ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ज्यादा इसमें आपको देखना नहीं है बट क्लासिफिकेशन में हमें देखना है और ये देखना है कि ये हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करते हैं ओके सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर द ड्रग इज propranolol, metoprolol and etinolol. ठीक है इसके अलावा भी और वेरियस ड्रग्स हैं इन द कैटेगरी ऑफ बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स द सेकेंड वन इज अल्फा प्लस बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स ठीक है अपने पढ़े होंगे रिसेप्टर फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर फर्दर अल्फा इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू अल्फा वन एंड अल्फा टू एंड बीटा इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू द बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री रिसेप्टर राइट तो दोनों रिसेप्टर के थ्रू आपके ब्लड प्रेशर आपके मॉड्यूलेट होते हैं और अल्टर होते हैं स्पेसिफिकली बीटा रिसेप्टर से होते हैं बट अल्फा रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से भी आपकी ब्लड प्रेशर जो है आपकी इंक्रीज करती है जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपकी अगर स्टिमुलेट होती है तो क्या होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा इट विल ऑलवेज इंक्रीज राइट कैसे आप याद रख सकते हो जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट किस कंडीशन में होता है सपोज दैट आप कहीं पे हो आपके पास भूकंप आ जाए सांप आ जाए कुछ भी आ जाए ऐसी कंडीशन हो जाए आपका रिजल्ट आ जाए ठीक है तो क्या होगा उस टाइम पे कौन सी नर्वस सिस्टम आपकी एक्टिवेट होगी पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी एक्टिवेट होगी और आप उस कंडीशन से इमेजिन कर सकते हो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे ठीक है उस टाइम पे क्या होगा आपकी ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगी सपोज दैट आप किसी फॉरेस्ट में हो आपके सामने अचानक से लायन आ जाए ठीक है तो क्या होगा आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी क्यों इंक्रीज करेगी बिकॉज आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड है जो नीड है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है उस टाइम पे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन एक्टिव हो जाते हैं या तो लड़ लो या तो भाग लो तो दोनों कंडीशन में क्या होनी चाहिए आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करती है बिकॉज जो कार्डिक डिमांड है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाती है बिकॉज आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है एटीपी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाएगा राइट माइड्रियसिस हो जाएगी आपकी जो प्यूपिल्स होती है आई में वो डायलेट हो जाएंगी आपकी ब्लड फ्लो तेज हो जाएंगी ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा राइट तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं आपको याद होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा तो हमें क्या करना है डिक्रीज करना है ठीक है तो हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स दे सकते हैं राइट हम तो मोड ऑफ एक्शन की अभी ही बात कर लिए तो सेकेंड क्लासिफिकेशन था आपका अल्फा प्लस बीटा ऐसे ड्रग जो आपकी अल्फा रिसेप्टर पे भी एक्ट करेंगे एंड बीटा रिसेप्टर पे भी एक्ट करेंगे हम सेलेक्टिव ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं राइट बट बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स ओनली एक्ट ऑन द बीटा रिसेप्टर सो वी कैन से दैट प्रोप्रानोलॉल इज द सेलेक्टिव बीटा
ब्लॉकर्स, बट यहाँ पे भी हमने ये डिफाइन नहीं किया कि बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉकर है और बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स है. इट कैन बी बोथ, ओके, इट कैन ब्लॉक प्रिफरेंसली बीटा वन एंड बीटा टू ऑल्सो, राइट. द थर्ड इज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. दिस इज सेलेक्टिव, दिस ड्रग्स इज सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. बट यहाँ पे हम ये भी फिर से डिफाइन नहीं कर रहे कि अल्फा वन ब्लॉकर है या अल्फा टू ब्लॉकर है. सो द ड्रग इज प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामिन. दिस फोर ड्रग इज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. ओके, द फोर्थ कैटेगरी इज सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक. सो दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. व्हाट इज डिफरेंस? दिस इज द सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स. ये ड्रग भी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ही एक्ट करती है, बट इट एक्ट सेंट्रली, इट एक्ट ऑन योर CNS. और भी जितनी आपकी ड्रग्स है, दैट ऑल आर सिंपैथोलाइटिक, बट दे एक्ट ऑन द पेरिफेरल सिस्टम. व्हाट यू मीन बाय पेरिफेरल सिस्टम? जब भी आप CNS के अलावा किसी सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है, दैट ऑल सिस्टम इज नोन एज पेरिफेरल सिस्टम. दैट मीन्स कि जो भी आपकी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है या अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है या अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, ये रिसेप्टर कभी आपने पढ़ा है कि ये CNS में प्रेजेंट होते? दैट रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन योर पेरिफेरल ऑर्गन. हार्ट में होंगे, किडनी में होंगे, लीवर में होंगे, इंटेस्टाइन में होंगे, लंग्स में होंगे, वेरियस ऑर्गन में प्रेजेंट है, बट आपकी CNS में रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है. इसलिए ये जो ड्रग्स है आपकी पेरिफेरल सिस्टम पे एक्ट करती है, बट जो आपकी यहाँ पे क्लोनिडीन है या मिथाइल डोपा है, दिस आर द सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, ठीक है. ये क्या करेंगी? आपकी जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, जो कि आपकी कहाँ से निकलता है? आपकी CNS से निकलता है, ठीक है, आपके हाइपोथैलेमस से, और आपके रीच करता है आपके पेरिफेरल ऑर्गन में. तो ये भी आपके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, जिससे कि आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा ही नहीं, ठीक है. नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपके ये सारे रिसेप्टर्स जो है आपके स्टिमुलेट नहीं होंगे, और जबकि फर्दर एक्शन हो रही थी बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो आपका इनहिबिट हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द फोर ड्रग्स कैटेगरी विच कम्स अंडर द सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स. मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ. बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ओके, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामिन, एंड द फोर्थ कैटेगरी इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, दैट इज द क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा. सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, राइट. स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कैल्शियम का क्या रोल है मायोकार्डियम पे. कैल्शियम कहीं पे भी रिलीज होता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है. जब कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा तो क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या हो सकते हैं? आपकी जो आपकी प्रेशर एग्जर्ट हो रही थी आपकी आर्टरीज के वॉल पे, वो आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है. फर्दर क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा. तो हम क्या स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं? हमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है. कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? जबकि कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है मायोकार्डियम पे, ठीक है, उसको अगर हम इनहिबिट कर दें तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो होगी आपकी डिक्रीज कर जाएगी. जो मूवमेंट हो रहा है, जो इन्फ्लक्स हो रहा है कैल्शियम का फ्रॉम द आउटसाइड मेम्ब्रेन टू द इनसाइड ऑफ द मायोकार्डियम, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. सो देयर आर द वेरियस क्लासिफिकेशन फॉर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. कौन कौन से क्लासिफिकेशन है यहाँ पे उसको देखते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है आपकी दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. कैल्शियम चैनल, ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज. ऑन विच बेसिस? दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, राइट. कौन से रिंग किस क्लास में प्रेजेंट है, कौन से ड्रग्स में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्रॉड कैटेगरी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. कौन कौन से कैटेगरी? द फर्स्ट वन इज डाइहाइड्रोपाइरिडीन. व्हाट इज दैट? डाइहाइड्रोपाइरिडीन. एंड द सेकेंड वन इज नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन. ओके, नाम से क्लियर है, हर टर्म अपने नाम के अनुसार रखा गया है, ठीक है, अपने नाम से ही सब कुछ रिप्रेजेंट होता है. तो अगर आप ध्यान दोगे, डाइहाइड्रोपाइरिडीन, इसमें क्या होगा? पाइरिडीन की रिंग प्रेजेंट होगी. जितनी भी इसमें ड्रग्स आएंगी उसमें क्या होंगी? पाइरिडीन का रिंग प्रेजेंट होगा. और जो ड्रग्स आपकी नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन में आएंगे, ठीक है, उसमें पाइरिडीन की रिंग नहीं प्रेजेंट. ओके, तो क्या देख रहे थे हम? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है. हमने बताया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स, ठीक है. जिस ड्रग्स में आपकी पाइरिडीन की रिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज द डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स.
और जिस ड्रग्स में आपकी डाइहाइड्रोपाइरिडिन की रिंग नहीं प्रेजेंट होगी, दैट इज द नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडिन। ठीक है, अब आपकी जो डाइहाइड्रोपाइरिडिन में जो ड्रग्स आती है, दैट इज द नेफिडिपीन, फेलोडिपीन, एम्लोडिपीन, लेसिडिपीन, लर्सेनाडिपीन एंड निकारडिपीन, और वेरियस आपकी ड्रग्स है, द सफिक्स इज पिन, PINE। ओके, द नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडिन इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू द टू टाइप्स, दैट इज द फिनाइल अल्काइल अमीन एंड द सेकेंड वन इज बेंजोथायाजिपीन। फिनाइल अल्काइल अमीन की कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स आती है, दैट इज द वेरापामिल, एंड बेंजोथायाजिपीन में आपके ड्रग्स आते हैं, दैट इज द डेल्टियाजिम। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, ये सारी ड्रग्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये आपके कहाँ पे आएंगे, एंटी एरिथमिक में भी आपको मिलेंगे बेटा, और एंटी एंजाइनल में भी आपको ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे क्लासिफिकेशन। ओके, सो द लास्ट क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज वैसोडायलेटर। दिस इज मोस्ट सिंपल क्लासिफिकेशन और सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट विद इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके, वैसोडायलेटर जैसे कि नाम से क्लियर है, क्या करेगा बेटा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। ठीक है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था उसको अपोज करेंगे और ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। अब दोनों चीजें आती है ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज भी आते हैं, वेन भी आता है, तो जो ड्रग सिर्फ आर्ट्रियोल को डायलेट करेंगे, दैट इज द आर्ट्रियोलर डायलेटर। ओके, एंड ऐसी ड्रग्स जो आपकी आर्ट्रियोल्स को भी डायलेट करेंगे और वेन को भी डायलेट करेंगे, दैट इज द आर्ट्रियोलर प्लस वीनो डायलेटर। ठीक है, तो आर्ट्रियोलर प्लस वीनो डायलेटर में सिर्फ आपकी ड्रग एक आती है, दैट इज द नाइट्रोप्रुसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। ओके, एंड द ड्रग्स विच इज कम्स अंडर द आर्ट्रियोलर डायलेटर इज हाइड्रालाजीन एंड मिनोक्सिडिल। सो दिस आर द ऑल क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नाउ वी कैन कंक्लूड हियर, द फर्स्ट इज डायरेटिक्स, थायाजाइड डायरेटिक्स, हाई सीलिंग डायरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। द सेकेंड वन इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, द ड्रग्स विच एक्ट ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, द फर्स्ट इज एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, सेकेंड वन इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंड द थर्ड वन इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, द ड्रग्स विच एक्ट ऑन द रिलीज ऑफ रेनिन इन द रास सिस्टम, द नेक्स्ट वन इज सिंपथेटिक इनहिबिटर्स, दैट इज द एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स एंड द सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फिनाइल अल्काइलामीन, बेंजोथायाजिपीन एंड डाइहाइड्रोपाइरिडिन्स, एंड द लास्ट वन इज वैसोडायलेटर, दैट इज द आर्ट्रियोलर डायलेटर एंड द आर्ट्रियोलर प्लस वीनो डायलेटर। ओके, सो दिस आर ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच ड्रग्स मोड ऑफ एक्शन, how this drug act on your body system and how this drug control your blood pressure. Okay, so the next drug we are going to study about diuretics. Okay, diuretics ke bare mein aap log dekhenge, hum log phir discuss bhi karenge next class mein ki diuretics jo hai aapke kaise control karte hain blood pressure ko. Okay, so now we are going to end our topic here. Thank you.